के सामने टफ फाइट होती है। थैंक यू वेरी मच आतिश पाटिल, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। अगली गेंद वहां पर लोअर फुल टॉस, पैरों पर थी, उसे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। मंदार मौजूद है वहां पर, एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर जाता हुआ 8 रनों पे पहुंचे, 8 रन्स। स्वराज का अगर हम क्रिकेट देखिए तो कहीं ना कहीं इस साल उनकी बॉडी में थोड़ा सा हैवीनेस नजर आ रहा है, वेट गेन किया उन्होंने, काफी अच्छे गेंदबाज हैं। अर्जुन के आने से टीम में एक अलग सी जान आ गई है, और पिछले मैच में आते ही 7 मैन ऑफ द मैच हासिल किया था। चेतन मडवी थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, वहीं पर कुमार का हमेशा एक ही जैसा इशारा। स्ट्राइक पर अब आए हैं किरण, लेफ्ट हैंड बैटर। सौरभ माली थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये छोटा तीर घाव करता है बहुत गंभीर, अगर ये एक बार चल गए तो चलते ही नहीं दौड़ते हैं। देखिए थोड़ा सा समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। रूहानी इंटरप्राइजेस स्वराज की अगली गेंद, फुलटॉस गेंद, भेद दिया उसे आउट ऑफ द पार्क, षटकार, नो बॉल। कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 9 पे 6, 7 रन आ गए, 7 की मदद से टोटल स्कोर है 15, 15। अभी तक गेंद हुई है सिर्फ 2, रन बन चुके हैं 15। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास में जो सबसे महंगा ओवर है वो शिवास स्पोर्ट के गेंदबाज नयन के नाम है। 2022 श्री पूनम चंद जी गुप्ता चषक मेगा फाइनल मैच था, अंजुमन के सामने भावेश ने वो एक ओवर में 41 बनाए थे, और 37 दो दफा बने हैं, 36 दो दफा। इस बार बहुत ज्यादा बड़े हिट के ले गए वहां पर किरण, बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, मिस वे डॉट बॉल। इसी साल 37 रन बनाए थे अमजद जलालुद्दीन शेख ने, और 6 बॉल में 6 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड 2 बल्लेबाजों के नाम पे है, प्रांशी 11, ठाकरा सा पाड़ा के प्रणव, और चैलेंज स्पोर्ट के विशाल शर्मा। इस बार बहुत ज्यादा सफल हुए, वो ताकत नहीं जो चाहिए थी, और वहां पर आउट हो गए किरण। पहला झटका लगता हुआ स्वयं 11 को, और इस साल अगर हम बात करें स्वयं 11 की, इन्होंने अपना नाम बदला है। पिछले 3-4 सालों से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में बहुत अच्छा क्रिकेट था इनका, संयुक्त स्पोर्ट के नाम से। इस साल नाम को बदला है, देखने क्या तकदीर बदलेगी, लेकिन अभी तक जो नाम बदलने का फैसला था हम कह सकते हैं अच्छा नहीं है। पहला झटका लगा है 15 के स्कोर पर, आप देख रहे हैं अमन ट्रॉफी 2024, लास्ट ईयर इस टूर्नामेंट को जीता था अंजुमन स्पोर्ट ने, 2022 में इस टूर्नामेंट को खुद जीता था अमन स्पोर्ट ने। और अगर हम लास्ट अमन ट्रॉफी की बात करें जो कोविड से पहले हुई थी 2020 में, उस वक्त इस टूर्नामेंट को जीता था सुरेश इंटरप्राइजेस पाए ने। देखना है इस बार किसके ताबे में आती है अमन ट्रॉफी। अब नए बल्लेबाज आए हैं निशांत, इन्हें गेंदबाज बहुत कम रख पाते हैं शांत, और इस साल काफी उथल पुथल चल रही है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के रैंकिंग में, लेकिन नंबर 1 पर अंजुमन अभी भी बरकरार है। स्वराज राइट अराउंड द विकेट निशांत के लिए,
मिस्टर स्टोक गेंद हवा में, बैक टू बैक दो विकेट, राइजिंग डिलीवरी थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा तेजी से शरीर की तरफ चढ़ी थी, यही कारण था कि जो एलिवेशन चाहते थे नहीं बना पाए। निशांत आउट होकर डगआउट लौटते हुए, कॉट एंड बॉल, आत्मनिर्भर, अपना काम खुद करो। इस वक्त हमारे बीच में डॉक्टर तौसीफ, आयुर्वेदिक दुनिया के बेताज बादशाह, बहुत महारत हासिल रखते हैं आयुर्वेदिक की दवाइयों में। डॉक्टर तौसीफ सर हमारे बीच मौजूद हैं, उनके साथ साकिब भाई भी मौजूद हैं। वेलकम, आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से इस्तकबाल है। वीआईपी मंच की जीनत को दुबाला कर रहे हैं। पीछे की रो में आप देखेंगे तो अमान स्पोर्ट के प्लेयर नजर आ रहे हैं, सोमनाथ यो, विनोद बजागे, अक्षय सुरेकर, पिंटू पाटिल। नए बल्लेबाज कुणाल क्या गेंदबाज को कहेंगे चल मेरे नाल, और हम कैसे भूल सकते हैं इन्हें शेरा, जिन्होंने अमान ट्रॉफी में सबको घेरा। कुणाल प्लीज थोड़ा सा जल्दी आना है, क्योंकि आज के दिन हमारा शेड्यूल हमें किसी भी तरह कंप्लीट करना है। कल फैंटेस्टिक फ्राइडे, हमें चैंपियन टीम मिल जाएगी कल शाम 5 बजे। देखना है किसकी होगी हार, किसकी होगी जय जयकार। इस बार अमन ट्रॉफी जाने वाली है किसके पास, बस कर लो और 24 घंटे का इंतजार। इस बार जाने दिया, वहां पर कुणाल ने सही फैसला, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से स्कोर अब जाकर आगे बढ़ाए 16 रन। ओ क्लीन बोल्ड, दांडी गुल, गजब की वहां पर गेंद थी स्वराज की, अपनी पुरानी लय में आ गए। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो सेमीफाइनल मैच रहने वाला इरफान शेख, इस टीम के विजेता और अमान स्पोर्ट के बीच में, तो एक फाइनलिस्ट टीम हमें आज ही मिलने वाली है। गेंदबाजी के लिए आए अर्जुन, दूसरा ओवर लेकर पिछले मैच के हीरो, नए बल्लेबाज आए हैं विशाल। विशाल और सौरभ मालिक की जोड़ी अक्सर संयुक्त स्पोर्ट के लिए नजर आया करती थी, लेकिन स्वयं के लिए अभी तक नहीं देखने को मिल रही है। राइट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद नो बॉल, बीमर गेंद मानो हाथों से छूट गई, बहुत गति से करने की कोशिश में वहां पर गेंद हाथों से छूट गई गेंदबाज अर्जुन से। दो रन आ गए इस गेंद पे, अब स्ट्राइक पर हैं विशाल फ्री हिट का सामना करने के लिए। बहुत तेजी से बल्ला चलाया लेकिन वहां पर कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, गेंद गई है मंदार के पास डीप स्क्वायर लेग में, एक रन सिंगल की मदद से। अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 19-19। अर्जुन राइट आर्म राउंड द विकेट, इस बार बहुत तेजी से बैट को घुमाया था लेकिन वहां पर कनेक्शन नहीं बनाया है, फिर से डॉट बॉल। अंपायर फारूक बड्डी सर थोड़े से सैराब होकर अब अपने दूसरे काम में मशगूल होंगे। इस बार अच्छी तेज तर्रार गेंद थी, बहुत नीचे रही थी, लोअर फुल टॉस एकदम बहुत दूर मारने की कोशिश थी लेकिन बल्ले से टकराने के बाद पैरों से उलझ कर गेंद रह गई, एक रन बना वहां पर सिंगल की मदद से।
टोटल स्कोर है 20 है 20 रन्स। देखना है अमान स्पोर्ट के साथ सेमीफाइनल में कौन टकराने जा रहा है। ओहो अनदर ब्यूटी, गजब की गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। कहते हैं ना क्रिकेट में दो ही चीजों की रिस्पेक्ट है, एक सर सचिन तेंदुलकर, दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। इस बार बैक फुट पर थोड़ा सा फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक ही रन। इस बार फिर से बल्ला चलाया लेकिन हल्ला नहीं मचा पा रहे हैं सौरभ माली, इनका वार जा रहा है खाली। डॉट बॉल, दो ओवर का खेल हुआ खत्म, कितने रन बने कैस अंसारी? रन बने 21, 21 जबकि पहले ओवर में आए थे 16, इस ओवर में 5। पहली बॉल जबकि नो बॉल भी थी उसके बावजूद भी सिर्फ 5 ही रन बटोर पाए। तीसरा ओवर जल्द से जल्द शुरू करना, आई थिंक विग्नेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है जिनके नाम इस सीजन में एक विक्टो का हैट्रिक दर्ज है। एमजे ट्रॉफी जोहान स्पोर्ट के सामने वो विक्टो का हैट्रिक पूरा किया था तीसरे ओवर में विग्नेश ने, चेतन मडवी भूल गए थे क्योंकि चेतन मडवी का ध्यान होता है अपने टीम के प्लेयर के नए नए नाम बनाने में, चॉकलेट बॉय, वंडर बॉय। विग्नेश जल्द से जल्द गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है, स्ट्राइक पर आए विजय, क्या टीम की विजय में विशाल, सॉरी यस देवेंद्र जाधव, आई नो इट। इस बार अच्छा ड्राइविंग स्ट्रोक, गेंद जा रही है वर्डिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर मौजूद है स्वराज, एक रन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रनों पे पहुंचे हैं 22। इस बार आई थिंक कॉट बिहाइंड का मौका था, वहां पर दोनों प्लेयर एक ही सिरे पर, वहां पर अपना विकेट कुर्बान किया है विशाल ने, रन हो सकता था अगर कोशिश करते लेकिन वहां पर अपना विकेट कुर्बान किया है विशाल ने। ये देखिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि विशाल जानते हैं कि वो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, एक दो बड़े हिट लगाए हैं सौरभ ने तो अपना विकेट खुद उन्होंने कुर्बान किया आउट होकर, अब निराश कदमों से डगआउट की तरफ लौटते हुए देखना है अगला कौन आता है। बल्लेबाजी को अब आई थिंक भावेश, इस बार सौरभ माली का वार नहीं जाएगा खाली, दर्शक बजाएंगे उनके लिए ताली मैक्सिमम। और देखिए मोटर्स क्लब में शॉपिंग करना ना भूले, वहां से आप कोई भी टू व्हीलर व्हीकल्स या किसी भी तरह की गाड़ी परचेज कीजिए और लक्की ड्रॉ जीतने का मौका पाइए। लक्की ड्रॉस के प्राइस मैं आप लोगों को बताता चलूं, 25 दिसंबर को लक्की ड्रॉ का अनाउंसमेंट किया जाएगा। फर्स्ट प्राइज है करिश्मा ZMR, वो हो, सेकंड प्राइज स्प्लेंडर प्लस, थर्ड प्राइज स्कूटी, फोर्थ प्राइज 5 ग्राम का गोल्ड सोना 24 कैरेट, पांचवा इनाम फ्रिज जो आपके पानी को और सब्जियों को रखेगा ताजा, छठा प्राइज है वॉशिंग मशीन, सातवां है ओवन। इस बार फिर से ऑन साइड में खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन। सातवां प्राइज ओवन, कभी भी खाने को आप गरम करिए। आठवां प्राइज है टाइटन की वॉच, आपका टाइम समय जो अच्छा बताएगी। और नाइन्थ लकी ड्रॉ जो है वो मिक्सर, कभी भी जूस और मसाले बनाने हो तो काम में आएगा।
दसवां इनाम है सीलिंग फैन, जो आपको अच्छी और फ्रेश हवा पहुंचाएगा। मोटर्स क्लब नाम ना भूले। इस बार स्वीप लगाया है, वन बाउंस इनटू द फैन, फोर रन्स। मोटर्स क्लब जाइए, शॉपिंग करिए, बाइक, टू व्हीलर, स्कूटी, एक्टिवा, कुछ भी परचेस करिए और लक्की ड्रॉ में अपना नाम डालिए और 25 दिसंबर का इंतजार कीजिए 2024। और 10 इनाम में से जो भी आया फिर तो आपके वारे नहीं आ रहे। मोटर्स क्लब एक बार जाना जरूर। विघ्नेश थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस बार बैक फुट पर घुटना टेक, लेकिन वहां पर कहते हुए फील्डर के कैच देख। अब चेतन मेडवी आप नाम नहीं बता रहे हैं। जीतू, थैंक यू। रन बने कुल 33, डबल 3, 33। मल्लेबाजी हो रही थी, माइंड फ्री। अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं राहुल, क्या गेंद को करेंगे मैदान के बाहर गुल। तीन ओवर का आई थिंक खेल हो चुका है। रन बने 33। अब नाम बताने की जरूरत नहीं थी, चैतन्य मडवी हम जानते हैं, जब बताना था तब खोए हुए थे। आप बस इस चीज में मुब्तला है कि कब किसका क्या नाम रखूं। देखिए वो काम बहुत अच्छा कोई निभा रहा है, उन्हें करने दीजिए। ड्रिंक्स ब्रेक का लिया गया इस वक्त। देखिए ड्रिंक्स ब्रेक में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तीन ओवर में 33, कौन सी टीम होगी अगली सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। पहली टीम मिली है हमें अमान स्पोर्ट, दूसरी क्या रूहानी इंटरप्राइजेस मालोड़ी या फिर स्वयं 11, और पहली फाइनलिस्ट टीम कौन होगी अमन ट्रॉफी 2024 की। इस वक्त हमारे बीच में डॉक्टर तौसीफ साहब मौजूद हैं, आयुर्वेदिक दुनिया के बेताज बादशाह, आयुर्वेदिक दवाइयों के जादूगर भी हम इन्हें कह सकते हैं। और देखिए ये जो काम कर रहे हैं ये कोई मामूली काम नहीं है, लोगों को शिफा पहुंचाने का काम है। बहुत लोग इनके पास उम्मीदें लेकर जाते हैं और हर कोई शिफा पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो ये काम कर रहे हैं डॉक्टर तौसीफ सर, थैंक यू वेरी मच। और साथ में साकिब भाई भी मौजूद हैं, दीपेश न्यू बॉलर, देखना क्या करेंगे। कुछ नई गेंद पेश, स्ट्राइक पर है सौरभ माली, बहुत तेजी से बैट तो घुमाया है लेकिन कनेक्शन नहीं बनाया है, डॉट बॉल। अंपायर का कॉल, ओहो अनदर ब्यूटी, गजब की गेंदबाजी दीपेश की। और अब जाकर थोड़े चार्जअप हुए चेतन मडवी, वरना जब बाउंड्रीज लगी थी तो चेहरे पर से झुर्रियां छा गई थी मानो। लेकिन पहली दफा हमने देखा कुमार को जब पिछले मुकाबले में जीत मिली स्वयं इलेवन को, तब उन्होंने खुशी का इजहार किया, थोड़ा सा चीयर अप किया, वरना कुमार काफी कूल एंड काम, कंपोज, शांत रहते हैं। इस बार सौरभ माली के स्लॉट में थी, भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में, 6 रनों के लिए गजब का स्ट्रोक। आज अपनी लय में आ रहे हैं बस सौरभ माली, सिक्सर लगाकर लगता है दोबारा अपनी पिक्चर बनाने जा रहे हैं। कितने रन बने कह संसारी 39, हम कह सकते हैं सौरभ माली बल्लेबाजी कर रहे हैं फाइन। रन बने 39।
देखिए चेतन मेड भी कह रहे हैं कि वो गेंद नहीं फेंकते हैं और उनके प्लेयर बता रहे हैं ये बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। दीपेश एक बार फिर से, इस बार पैरों पर थी और गेंद जाएगी बाउंड्री की सहरों पे, मस्तक पे दस्तक और कर रहे हैं अब सौरभ अपने दस्तखत, एक और सिक्सर, टोटल रन बन गए हैं 45। इस टूर्नामेंट को देख लीजिए यूट्यूब पर लाइव, यूट्यूब पे जाइए प्रिंस मूवीज टाइप करिए या फिर अमन ट्रॉफी 2024 और आनंद उठाइए, कहीं पर भी हो आप देश विदेश हर जगह से आप देख सकते हैं अमन ट्रॉफी 2024। पहली दो गेंद बीट, फिर दो पे करारा वार, अब कर रहे हैं गेंदबाज इंतजार, फुल टॉस, एक और मैक्सिमम शॉट में था दम, सिक्सर का पूरा कर लिया हैट्रिक बल्लेबाज सौरभ ने, टोटल रन बने 51। बॉल देना है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ माली, कितने रन पर पहुंचे 33। बारह बॉल में 33 रन बनाए सौरभ माली, पावर ऑफ मान कोहली बताते हुए कि जो टाइटल मिला है वो क्यों, 51। आखिरी बॉल, अब दीपेश सोच रहे हैं कि क्या लूं मैं कॉल, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी दीपेश को, आखिरी बॉल में कमबैक करना होगा क्योंकि सौरभ माली जो बल्लेबाजी कर रहे हैं दर्शक और टीम वाले उनके लिए बजा रहे हैं ताली। सौरभ माली बिल्कुल तैयार, 100 सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, चार में चार बदल दिए विचार, रन बन गए 57, टारगेट है 58 का, टॉस हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इस मैच की विजेता टीम से मुकाबला होने वाला है। तो आइए अब लौट चलते हैं एक बहुत ही जबरदस्त आला उम्दा आवाज महेंद्र बिरडिया के साथ। महेंद्र बिरडिया आपको तुरंत कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है। थैंक यू वेरी मच राकेब अंसारी, काफ़ी अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी रही यहाँ पर सौरभ माली, द पावर ऑफ मान कोहली। पहली मैच जो खेली थी वहाँ पर उनका बल्ला काफ़ी खामोश रहा, लेकिन इस बार उनका बल्ले काफ़ी बल्ले बल्ले बोला और धुआंधारी बल्लेबाजी खेली। तो टोटल कितने रन की पारी खेली सौरभ माली ने, 39। टोटल 39 रन की पारी खेली सौरभ माली ने, व्हाट अ इनिंग बाय सौरभ माली। तो टारगेट पे देखे तो टारगेट रखा है 58 रन का, 58 का टारगेट रखा है, 24 गेंदों का सामना करना है और टारगेट को चेस करना है 58 रन रूहानी एंटरप्राइजेस मालोडी को। देखिए इसके बाद जो भी विजेता टीम होगी सीधा अमान स्पोर्ट के सामने टकराएगी सेमीफाइनल मैच के लिए। काफी सुंदर दिन और आज का दिन आखिरी पड़ाव तक पहुंचने जा रहा है, इसके बाद हम सेमीफाइनल मैच देखेंगे जो भी इसमें से जीतेगा और अमान स्पोर्ट के सामने टकराएगा। यहाँ पे अगर हम देखे रूहानी एंटरप्राइजेस की गेंदबाजी में तो सूरज की शुरुआत हुई थी यहाँ पर 6 से, लेकिन उन्होंने टोटल रन खर्च किए थे 16, 3 सफलता हासिल की थी। उसके बाद आए थे अर्जुन, अर्जुन की काफी अच्छी गेंदबाजी, रन की गति पे अंकुश थोड़ा लाया, केवल 5 रन खर्च किए और उनकी गेंदबाजी में एक नो जरूर की थी उसने, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती। उसके बाद आए थे विघ्नेश,
विघ्नेश की जो ओवर थी काफी थोड़ी सी खर्चीली साबित हुई थी, 12 रन टोटल खर्च किए, लेकिन दीपेश की गेंदबाजी देखिए, आखिरी गेंदबाजी में 24 रन निकले टोटल। लास्ट की शुरुआत काफी अच्छी की थी डॉट बॉल के साथ, लेकिन सौरभ माली के स्ट्रॉन्ग जोन में गेंदबाजी हुई, उनके रेडार में गेंदबाजी हुई और चार आखिरी गेंदों में चार बड़े सिक्स निकले उनके बल्ले से और 24 रन टोटल खर्च किए दीपेश ने। बहुत ओवर साबित हुई यहाँ पर। तो एक इनिंग समाप्त हो चुकी है और टारगेट रखा है 58 रन का रूहानी एंटरप्राइजेस मालोडी के सामने। ओपनर्स भी ग्राउंड के बीच में आते हुए देखिए, यहाँ पर स्वयं 11 के पास बल्लेबाजी तो काफी अच्छी है और गेंदबाजी भी काफी ठीक उनके पास है। देखते कि क्या कुछ होगा। बैटिंग के विभाग में तो काफी अच्छा काम किया स्वयं 11 ने, देखिए गेंदबाजी में क्या कुछ निकलेगा। हमारे ऑन फील्ड अंपायर्स भी ग्राउंड में पहुंचते हुए, आज का दूसरा दिन और तीसरे दिन आखिरी दिन अमान ट्रॉफी 2024 में हमें चैंपियन टीम मिल जाएगी। कौन होगी वो हकदार जो अमान ट्रॉफी अपने नाम करेगी ये सातवां सीजन। ऑर्गेनाइज बाय अमान स्पोर्ट एंड फलक फाउंडेशन, सपोर्टेड बाय चैलेंज स्पोर्ट्स एंड अंजुमन स्पोर्ट्स। इंतजार करी यहाँ पर अमान स्पोर्ट की पूरी टीम कि कौन होगी वो टीम जो सेमीफाइनल के लिए उनके साथ दो दो हाथ करने होंगे। 58 का टारगेट स्ट्राइक पर है भावेश और नॉन स्ट्राइक पर है द चॉकलेट बॉय ऑफ टेंबौली मंदार। नॉन स्ट्राइक पर देखिए इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं सुमित सोनार, सिटी मर्जिंग कमेटी के मेंबर। वेलकम सुमित सोनार, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आपके करीबी दोस्त इरफान शेख की तरफ से, पूरी सिटी मर्जिंग कमेटी की तरफ से, खुद मेरी तरफ से भी, क्योंकि बहुत दिनों बाद नजर आई हैं। बीइंग ह्यूमन के बहुत बड़े चाहने वाले और अमान ट्रॉफी जब हो तो सुमित सोनार ना नजर आए ये मुमकिन नहीं। सुमित सोनार आपका हार्दिक स्वागत अमान ट्रॉफी 2024 में। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। स्ट्राइक पर है भावेश, वहां पर हवा में खेल दिया है वहां पर और वन बाउंस और भावेश भी वहां पर फील्डिंग में मौजूद। एक रन तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया और दूसरा भी यहां पे हमें लग रहा है कि दो रन पूरे किए। तो यहां पर दो रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का और भावेश ने भी यहां पर दो रन से तेज कदमों के साथ दो रन पूरे किए। 58 कितने रनों का टारगेट चेस कर रही है, 58 रन का टारगेट चेस कर रही है यहाँ पर रूहानी एंटरप्राइजेस। इस बार घुटना टेक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का सही तरह से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी अब तक यहाँ पर बॉबी की। बॉबी हमेशा स्वयं 11 की गेंदबाजी शुरुआत पहली ओवर बॉबी के द्वारा ही होती है, लेकिन अच्छे गेंदबाज है बॉबी और बड़े शॉट काफ़ी ज़्यादा खर्च नहीं करते अपनी गेंदबाजी में, अच्छी दिशा में गेंदबाजी करते हैं, अच्छी सटीक लेंथ और लाइन और प्रॉपर लाइन से गेंदबाजी करते। फिर से अनदर डिलीवरी, एज लगा वहाँ पर, अशफाक वहाँ पे मौजूद थे और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर। एक रन से ही मन बनाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। वहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में वहाँ पर खिलाड़ी को रखा गया है, वहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन भी वहाँ पर विकेट कीपर के पीछे, अच्छी फील्डिंग सजाई गई है स्वयं 11 के द्वारा। बॉबी की अब तक अच्छी गेंदबाजी, अब तक केवल 4 रन खर्च किए, आने वाली 3 गेंदें देखिए कैच क्या कुछ निकलेगा। इस बार मन बना लिया था रिवर्स खेलने के लिए लेकिन एक रन तेज कदमों के साथ पूरा, दूसरा किल कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा थ्रो आता हुआ सौरभ माली के पास। अब तक बॉबी की इस ओवर में देखे तो कोई डॉट गेंद नहीं होगी अभी तक, हर एक गेंद में रन ले रहे बल्लेबाज भावेश और मंदार। मंदार ने केवल जस्ट खाता ही खोला है, ज्यादा गेंदों का सामना नहीं किया है, लेकिन स्ट्राइक पर आ चुके मंदार। इस बार छोटी गेंद थी उसको भेज दिया ग्राउंड के बाहर, 6 रन। देखिए इस तरह से शॉर्ट गेंद करोगे तो बल्लेबाज नहीं छोड़ेंगे, भेज देंगे उनको ग्राउंड के बाहर, शॉर्ट एंड पनिश, जैसे हमारे राकिब अंसारी की क्राइप, हमारे राइमिंग वर्ड के बादशाह काफी अच्छी राइमिंग करते हैं और तारीफ भी करते हैं राइमिंग के साथ ही। हमें लगता है घर पे भी राइमिंग के साथ ही बात करते रहेंगे अपनी फैमिली के साथ भी,
लेकिन एक अलग अंदाज है, अच्छा अंदाज है, अच्छा लगा हमें और काफी कुछ सीखते उनसे। लेकिन बॉबी की यहाँ पर देखे तो पांचवी गेंद में एक बड़ा शॉट आया, छह रन की मदद से स्कोर हुआ टोटल 11 रन। मंदार के बल्ले से निकलता हुआ ये बिग सिक्स। देखिए अगर छोटी गेंद करोगे तो कोई भी बल्लेबाज हो, वहां पर हार्ड हिटर बल्लेबाज हो या एवरेज बल्लेबाज हो, वो छोटी गेंद को खोटी गेंद में कन्वर्ट करके बाहरी भेज देगा। लेकिन इस प्रकार से फुल लेंथ की गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी हार्ड हिटर बल्लेबाज है और अच्छे बल्लेबाज है, इनफॉर्म बल्लेबाज है भावेश्वर मंदार। फिर से मुड़ते हुए बॉबी अपनी अगली गेंद के लिए, फुल टॉस गेंद और फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन नौ बॉल आता हुआ यहाँ पे, काफी ऊपर गेंद थी, बीमार, फ्री हिट का फायदा यहाँ पर मिलता हुआ देखते ही, नौ प्लस वन, दो रन जुड़ेंगे, दो के मदद से स्कोर हुआ है 13 रन। फ्री हिट का किसको मौका मिल रहा है? भावेश को। भावेश देखते क्या कुछ करते इस फ्री हिट का, क्या निकालेंगे, क्या होगी डॉट, क्या होगी आउट ऑफ द पार्क निकलेगी। बॉबी की अगली गेंद, फ्री हिट, इस बार खेल दिया है हवा में गेंद, एक रन तेज कदमों के साथ पूरा निशान बॉल के नीचे, दूसरे रन की मांग, थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए बॉबी ठीक तरीके से, निशान का थ्रो तो आया था लेकिन हाथ से छूट गया, लेकिन दो रन तेज कदमों के साथ पूरा किया, दो रन की मदद से स्कोर में गति बढ़ती हुई, स्कोर हुआ टोटल 15 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद। काफी महंगी यहां पर ओवर साबित हुई, पहली ओवर में 16 रन खर्च किए और टारगेट को चेस करी 58 रन का रूहानी, कितने रन हुए 15 रन हुए, माफी चाहेंगे, एक ओवर में 15 रन शुरुआत में 15 रन खर्च किए बॉबी ने, स्वयं 11 प्लीज समय के मामले में सहयोग करें, 15 रन 15। समय के मामले में थोड़ा सहयोग करें दोनों ही टीमें, स्वयं 11 एंड रूहानी एंटरप्राइजेस। शुरुआत काफी अच्छी हुई यहाँ पर रूहानी एंटरप्राइजेस की, पहली ओवर में 15 रन मिले, देखिए यहाँ पर दूसरे गेंदबाज शरद को भेजा है, शरद भी काफी अच्छे गेंदबाज है, कम रन खर्च करते हैं, विकेटें निकालते अपनी गेंदबाजी में, देखते हैं कि इस बार क्या कुछ कर पाएंगे। काफी बड़ा मुकाबला, मुड़ते हुए शरद अपनी पहली डिलीवरी के लिए, मंदार के लिए इस बार बल्ला घुमा था, खींचना चाहते थे बड़ा शॉट लेकिन नाकामयाब, ना खुश, डॉट गेंद के रूप में चली गई विकेट कीपर के पास, डॉट बॉल। शरद गति नहीं है लेकिन वेरिएशन काफी अच्छा है उनके पास, हर एक वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते, कट करते, बल्लेबाज को चौंकाते, लेकिन पहली गेंद में चौंका दिया वहां पर मंदार को, फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाया, मस्तक पे दस्तक, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्स आर। शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, डॉट गेंद से शुरुआत हुई थी लेकिन यहाँ पर देखे तो फुल टॉस गेंद कर बैठे और मंदार को उस फुल टॉस गेंद का फायदा मिला और भेज दिया सीधा ग्राउंड के बाहर, 6 रन। तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, इस 6 के मदद से स्कोर हुआ 21 रन 21 बिना कोई नुकसान के। देखिए 4 ओवर का मैच है, अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करेंगे और टारगेट है यहाँ पर 58 का, अच्छा टारगेट रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि छोटा टारगेट है, अच्छा स्कोर, एक अच्छी फाइट हो सकती है, लेकिन शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है यहाँ पर रूहानी एंटरप्राइजेस के द्वारा। पहली गेंद अच्छी, उसके बाद एक मैक्सिमम निकलता हुआ, ओम साई टेमगर ने भी काफी अच्छी जीत हासिल की कल, आज फिर से एक्शन में नजर आएगी कुछ पल बाद, वो भी हम एक्शन में दिखाई देंगे। कल आखिरी गेंद तक मैच हुई थी और अच्छी जीत हासिल की थी ओम साई टेमगर ने, फिर से एक्शन में नजर आएगी आज। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पे शरद आने वाली 4 गेंद किस प्रकार करेंगे, एक छक्का खाने बगैर आगे क्या कुछ होगा। इस बार फिर से भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क, दैट इज द मैक्सिमम षटकार, दो बड़े सिक्स उनके बल्ले से आते हुए, हैट्रिक पर यहां पर आते हुए, मंदार के बल्ले से यहाँ पे ये तीसरा छक्का निकलता हुआ, लेकिन देखते हैं कि हैट्रिक पूरी कर पाते कि नहीं। 6 के मदद से क्या तेजी से आगे बढ़ रही रूहानी एंटरप्राइजेस, स्कोर हुआ टोटल 27 रन 27। अब आ चुके हैट्रिक पर, यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हुए निशान वहां पे गए अफ्ताक अशफाक, निशान
आतिश वहां पर पहुंचे शरद को समझाने के लिए कि अच्छी दिशा में गेंद करे, उनके स्ट्रॉन्ग जोन में, उनके रेडार में कोई गेंद ना करे, लेकिन उनके स्ट्रॉन्ग जोन में आप गेंदे करेंगे तो आपको रिजल्ट इसी प्रकार का मिलेगा। हैट्रिक पर आ चुके हैं मंदार, बैक टू बैक दो मैक्सिमम उनके बल्ले से निकले, क्या हैट्रिक कर पाएगा कि नहीं अमान ट्रॉफी 2024 में। हैट्रिक पर मंदार, द चॉकलेट बॉय ऑफ टेम्बावली। मुड़ते हुए शरद अपनी अगली गेंद के लिए, हैट्रिक पर मंदार। ओ इस बार काफी दूर रखा बल्लेबाज से, लेकिन वाइट के रूप में आता हुआ ये एक रन। स्कोर है 28 रन, एक और रन जुड़ गया व्हाइट के रूप में। फिर से मुड़ते हुए हैट्रिक पर मंदार, इस बार संपर्क ठीक तरीके से नहीं हुआ, कनेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ गेंद का, और एक रन से हैट्रिक से बचे। यहां पर एक रन जरूर मिलेगा, एक के मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ। रूहानी एंटरप्राइजेस का 29 रन। अभी भी 29 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, और कितने गेंदे बची है, दो गेंदे अभी भी बची है इस ओवर में शरद की, रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 29 रन। लेकिन इस बार फिर से अपनी दिशा से भटके और एक अलग अंदाज में हमारे स्टेट अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का, रमीज रईस सर का अलग अंदाज है, हमारे फारूक बड्डी सर का और हमारे रमीज रईस सर का भी वाइट का एक अलग ही अंदाज। एक और रन जुड़ गया, स्कोर हुआ टोटल 30 रन। इस बार खेल दिया है स्ट्रेट शॉट, वहां पर वन बाउंस बाउंड्री, कोई मौका नहीं, दोनों खिलाड़ी के बीच में से निकल गई चौका, और दोनों खिलाड़ी को वहां पर चौका दिया। इस चौके की मदद से स्कोर हो चुका है रूहानी एंटरप्राइजेस का 34 रन। तेजी से आगे बढ़ रही है टारगेट की ओर। अब यहां से 24 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। दोनों ही बल्लेबाज, सलामी जोड़ी ओपनर्स, क्या बल्लेबाजी कर रहे भावेश और मंदार। यहां पर विकेट ढूंढेगी कहीं ना कहीं स्वयं 11, ये पार्टनरशिप की साझेदारी तोड़नी होगी अगर इस बार जमीनी सहारे खेल दिया है। वहां पर डीप मिड विकेट की तरफ एक रन तेज कदमों के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक के मदद से यहाँ पे ओवर समाप्त हुए। दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 35 रन बिना कोई नुकसान के। अभी तक विकेट ढूंढने की तलाश में स्वयं 11, देखते कि कौन होगा ऐसा गेंदबाज जो इस साझेदारी को तोड़ेगा, ये ओपनर सलामी जोड़ी को तोड़ेगा। लेकिन काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, स्कोर हुआ है टोटल 35 रन। अभी 12 गेंदे, 23 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। क्या कुछ होगा, कौन होगे वो गेंदबाज जो सेकंड लास्ट ओवर करेंगे और पूरी जवाबदारी के साथ 6 गेंदे अच्छी करेंगे और रन की गति को उसके ऊपर अंकुश लाएंगे। देखिए शुरुआती ओवर बॉबी ने ओवर की थी, 15 रन खर्च किए थे, शुरुआत काफ़ी अच्छी दिलाई यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, भावेश और मंदार ने काफ़ी रन खर्च किए बॉबी ने। उसके बाद आए शरद, शरद भी काफ़ी महंगे साबित हुए, 19 रन, दोनों बल्लेबाज की कमर तोड़ के यहाँ पे रख दी भावेश और मंदार ने। देखते हैं कि अगले गेंदबाज कौन आता है और कितने रन खर्च करते हैं, क्योंकि अभी यही स्वयं मिलन की यही स्ट्रेटेजी होगी कि जो तीसरी ओवर करेगा वो कम से कम रन दे और ये साझेदारी को तोड़े और थोड़ा मैच में बने रहे। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मैच अभी भी ऑन है, दोनों टीमों के पक्ष में ये मैच है, कहा नहीं जा सकता। अभी मैच को जीतने के लिए 23 रन चाहिए, ये ओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल ओवर, ये 6 गेंदें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सेकेंड लास्ट ओवर की दोनों बल्लेबाजों के लिए। अगर जितने ज़्यादा रन निकालेंगे उतनी आखिरी ओवर में प्रेशर काफ़ी कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर आतिश चाहेंगे कि बॉबी और शरद की ओवर में ज़्यादा रन खर्च हो चुके और यही चाहेगा कि मैं कम से कम रन खर्च करूं और ये दोनों साझेदारी को तोड़ू, ये दोनों बल्लेबाजों को। हमारे आदर्श वाघेला वो भी जुड़ते हुए थोड़ी देर में वो भी एक्शन में नजर आएंगे, उनका भी हार्दिक स्वागत अमान ट्रॉफी 2024 में। आतिश मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड की ओर से फुल ओवर फुल टॉस गेंद दी, घुमा था बल्ला तेजी से लेकिन कनेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में आया हुआ एक रन। खींचना चाहता था बल्ला, यह इतनी तेजी से घुमा था, मानो अगर कनेक्शन अगर कनेक्ट हो जाता तो ये ग्राउंड के बाहर चली जाती, लेकिन रिजल्ट आया लेग बाय के रूप में, एक रन मिला, एक के मदद से स्कोर हुआ 36 रन।
अभी यहां पर 11 गेंदे 22 रन। इस बार फुल टॉस गेंद भेज दिया ग्राउंड के बाहर, मस्तक में दस्तक, मैक्सिमम सिक्सर। क्या तेजी से आगे बढ़ रही है यहां पर रूहानी एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज, अभी तक कोई विकेट नहीं मिली है। दोनों ही बल्लेबाज भावेश और मंदार क्या फॉर्म में नजर आ रहा है यहाँ पर, दोनों ही बल्लेबाज की बल्ला क्या बल्ले बल्ले बोल रहा है। देखिए यहाँ पे भावेश के बल्ले से, यहाँ पर अगर देखे साझेदारी काफी अच्छी निभा रहे मंदार के साथ। मंदार के बल्ले से हमें कितने सिक्स देखने मिले, यस 4 सिक्स बड़े निकले उनके बल्ले से, लेकिन भावेश अच्छा साथ निभा रहे मंदार के साथ। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, जहाँ पे सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके बल्ले से एक ही चौका देखने मिला है, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। स्कोर वाई टोटल 6 की मदद से 42, टारगेट के काफी नजदीक पहुंचती हुई रूहानी एंटरप्राइजेस। अब यहां से 16 रन चाहिए, देखिए क्या कुछ निकलेगी, क्या डिलीवरी होगी आगे आने वाली आतिश की। 4 गेंदे निशान आए थे वहां पर डिस्कस करने के लिए कि गेंदे अच्छी करे, अभी भी मैच है, मैच को ना छोड़े क्योंकि अंत तक खेलना है। आखिरी 4 गेंदे क्या कुछ निकलेगा। इस बार फिर से खेल दिया यहाँ पर, अच्छी वन बाउंस बाउंड्री रॉकेट की तरह वहां पर निकल गई सीधा, 4 रन और मिलेंगे। 4 के मदद से तेजी से आगे बढ़ती हुई रूहानी एंटरप्राइजेस की गाड़ी 46 पे पहुंचे, 46, क्या स्वागत हो रहा है यहाँ पे आतिश का 6 और चौके के साथ। स्कोर वाई टोटल 46। अब यहां से चाहिए 12 रन, तेजी से आगे बढ़ती हुई रूहानी एंटरप्राइजेस की गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, लेकिन हर एक गेंदबाज को उनकी लेंथ और लाइन को भुला दिया है दोनों बल्लेबाजों ने, अब तक विकेट नहीं मिले यहाँ पर। दोनों ही सलामी जोड़ी खेल रहे, ओपनर्स खेल रहे, और ओपनर्स ही यहाँ पर LPW की मांग, वहाँ पर कोई जवाब नहीं उस LPW का, लेग बाय के रूप में आता हुआ ये 1 रन। तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, 1 रन और जोड़ा जाएगा। स्कोर वाई टोटल 47। 11 रन अभी भी चाहिए यहाँ पर, देखे तो गति काफी है आतिश की गेंदबाजी में, लेकिन दोनों बल्लेबाज इतने अच्छी तरह फेविस्टिक के फेविकॉल की तरह विकेट के ऊपर जम चुके हैं कि यहाँ पर उनको उखाड़ना नामुमकिन हो चुका है। बल्लेबाज काफी सेट दिखाई दे रहे हैं, इनफॉर्म बल्लेबाज दोनों ही भावेश और मंदार। भावेश काफी अच्छा साथ निभा रहे, सिंगल और डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करके ज्यादा से ज्यादा अभी इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर और भेज दिया है आउट ऑफ द पार्क, ये भी होगा मैक्सिमम सिक्सर। सुपर बल्लेबाजी, ओपनर्स ही खेल रहे अभी तक यहाँ पर, हमें लग रहा है कि ओपनर्स ही मैच को फिनिश करेंगे, लेकिन इस बार भावेश ने भी अपना बल्ला खोला और उनके बल्ले से ये पहला सिक्स निकलता हुआ। ये 6 की मदद से काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई रूहानी एंटरप्राइजेस, स्कोर हुआ है टोटल 53। 5 रन चाहिए, क्या ये इसी ओवर में मैच फिनिश हो जाएगी। स्ट्राइक पे भावेश, इस बार खेल दिया है और इस सिक्स के साथ, नहीं सिक्स नहीं है, निशान ने काफी अच्छी कैच पकड़ी, अच्छी हाइट का यहाँ पर यूज किया और वहां पर पहला झटका लगता हुआ, खींचना चाहते थे इसी ओवर में, मैच को फिनिश करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। निशान ने अच्छा कैच पकड़ा और अब जाके यहाँ पर विकेट गिरती हुई रूहानी एंटरप्राइजेस की। रोनित पाटिल ने निशान को ऑल द बेस्ट बोला है सुरई से। देखिए पूरी टीम को ही ऑल द बेस्ट बोला है कि अच्छा खेले और अच्छी मैच जीते और आगे बढ़े और आगे क्वालिफाई हो, लेकिन देखिए तीसरी ओवर यहां पर समाप्त हो चुकी है और तेजी से रूहानी एंटरप्राइजेस आगे बढ़ रही है। स्कोर वाई टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 53। मैच को फिनिश करना चाहते थे आखिरी गेंद में, लेकिन कैच दे बैठे वहां पर, निशान ने अच्छी कैच पकड़ी और काफी देर हो गई इस विकेट को मिलने में। रन चाहिए केवल 6 गेंदे और 5 रन। बल्लेबाज आ चुके हैं जीतू, लेकिन अभी भी धुआंधार बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज वहां पर मौजूद है मंदार, द चॉकलेट बॉय ऑफ टिम्बौली। हुसैन राजस्थानी ने अशफाक को ऑल द बेस्ट बोला है और पूरी स्वयं 11 को। आखिरी
छह गेंदे, रन चाहिए पांच। कौन आया है आखिरी ओवर के लिए? किरण। देखिए स्वयं इलेवन को ये किरण दिखा पाते कि नहीं, आगे की रोशनी दिखा पाते कि नहीं। छह गेंदे, रन चाहिए पांच। इनफॉर्म बल्लेबाज यहां पर भेज दिया है, क्या कुछ होगा, जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, और ये मैक्सिमम सिक्स के साथ मैच को जीत लिया है रुहान एंटरप्राइज ने। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ इनिंग बाय मन्नार, बिग सिक्स के साथ मैच को जीता स्वयं इलेवन।